भाई अभी जस्ट रास्ते में आ रहे थे हम, ये सांप देखो इतना बड़ा सांप यहाँ पर, ए देखो ये गई छक्का, और तगड़े ओले पड़ते जा रहे हैं। ये देखो पूरा ग्राउंड व्हाइट हो गया भाई, व्हाइट मजे ले रहे हैं। सो हेलो यार दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत होगी है सुबह के 9 बजे से, और आज है भाई होली का त्योहार, और सुबह सुबह भाई किसी ने आके देखो काला हरा बना दिया, देखो ये टी शर्ट भी खराब कर दी पूरी है देखो, और फिर मैं भी कम नहीं हूँ भाई, मैं नीचे बैठ रखा था पकौड़े तल रहा था, वहां सामने तवा रखा हुआ था, मैंने सारा वो निकाला उसमें से कालिक निकाली और उस आदमी के मुंह पे ऐसे लपोट दी, आदमी क्या भाभी जी के मुंह पे ऐसे लपोट दी ना बुरे हाल कर दिए। तो भाई अभी खतरनाक सेलिब्रेशन चल रहा है गांव में होली का भाई, कोई किसी को रंग लगा रहा है, कोई किसी को रंग लगा रहा है, कोई किसी के घर पे जा रहा है रंग लगाने, भाई धूम मची हुई है गाँव में अभी। और हम लोग हर साल भाई मैच खेलने जाते हैं होली के टाइम पे, 10-11 बजे निकल जाते हैं घर से और दूर जंगलों के बीच में जोली गाड़ा जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है वहाँ पर हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो फिलहाल हम लोगों की तैयारी है वहाँ जाने की, खाना खुना रखते हैं अपने लिए, नाश्ता वगैरह रोटी वगैरह रखते हैं, चाय वगैरह रखेंगे और चलेंगे फिर वहाँ मैच खेलने, उससे पहले थोड़ा बहुत होली खेलते हैं और उसके बाद चलते हैं जोली गाड़ा। सो ये देखो भाई पूरे गाँव में धूप भी आ चुकी है, और देखो ये देखो जहाँ पर देखो भाई लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं रंग लगाने के चक्कर में किसी पे, और अभी कुछ कुछ लोगों का तो मूड नहीं बना होगा, वो मूड बना रहे होंगे, मुगल गुट्टी ले रहे होंगे अभी। सो फाइनली यार दोस्तों अभी रेडी होकर निकल चुके हैं हम लोग जोली गाड़ा के लिए, और ये बैग भी भर भर के रह जा रहे भाई खाना पीना, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत कम खाना लेकर गए थे और भूख से बुरे हाल भाई, क्योंकि कंटिन्यू हम वहाँ पर मैच खेलते हैं इसलिए भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है भाई कंटिन्यू मैच खेल के। जो ये देखो पत्तल वगैरह सारा सेटअप जा रहा है भाई, मैगी वगैरह अंडा मैगी सारा रखा हुआ है, प्याज टमाटर वगैरह वहीं जाके मैगी वगैरह बनाएंगे आज। 4-5 बंदे हम अभी जा रहे हैं, बाकी कुछ पीछे से आ रहे हैं और आधे लड़के लोग आगे जा चुके हैं, जो कि शायद मेरे हिसाब से भाई कोई कोई तो पहुंच भी गया होगा जोली गाड़ा, 1-1.5 घंटा पूरा लग जाता है भाई यहाँ से जाने में। भाई इस वाले पेड़ पे देखो ये है भाई बुरांस के फूल, इतने ज़्यादा बुरांस के फूल आ रखे ना इस पे, देखो पत्तियाँ कम नज़र आ रही है फूल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं भाई इस पे देखो। तो जंगल में भाई कदम कदम पे आप लोगों को आजकल बुरांस के फूल नज़र आएंगे भाई, देखो कदम कदम पे भाई जहाँ पर देखोगे आप लोग। तो अभी यार सब लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, ये है बागलोटे का पत्थर भाई, इसे हम लोग बोलते हैं बागलोटे का पत्थर। तो यहाँ पर थोड़ा ड्रोन शॉट लेते हैं 1-2, बस आज धुंध सारे की यार उतना क्लियर तो आएगा नहीं, ये देखो ऐसे धुंध सारे क्या चारों तरफ, थोड़ा एक शॉट लेते हैं यहाँ से ड्रोन का। तो अभी ड्रोन पहुंच चुका है हमारा, वो जो मरोड़ी की गौशाला है दिख रही ना वहाँ पर, पता नहीं कहाँ है दिख तो नहीं रहा है। भाई अभी जस्ट रास्ते में आ रहे थे हम, ये सांप देखो इतना बड़ा सांप यहाँ पर, बड़ा तो नहीं है लेकिन सबसे जहरीला सांप होता है भाई ये देखो। यहाँ पर घास भाज और ये पत्तियाँ लेकर जाती है घर, तो भाई इसी को काट लिया ना ये देखो भाई। सो फाइनली यार पहुंच चुके हैं हम लोग जोली गाड़ा स्टेडियम में भाई, तो ये रहा हमारा जोली गाड़ा स्टेडियम भाई, मैच का पिच, मैच का ग्राउंड, और कुछ लड़के लोग आगे आ गए थे जो कि यहाँ पर टाइम पास के लिए मैच खेल रहे हैं, और बाकी पीछे से आ रहे हैं और भी पीछे से भी आ रहे हैं भाई लौंडे लोग, तो आज 3-4 टीम तो बनी जाएगी पक्का यहाँ पर, इतनी मस्त जगह है ना यहाँ पर मैच खेलने के लिए, इसलिए हम लोग जब भी होली आते हैं ना भाई हर टाइम यहाँ पर मैच खेलने आते हैं। और ये देखो नदी ने यहाँ पर ना भाई पूरा ग्राउंड काट लिया है यार, देखो ये जितना भी पानी आता है ना पहले इस साइड से बहता था ये पानी, धीरे धीरे करके पूरा ग्राउंड काट लिया उसने, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है पीछे कीपिंग करने में, बाकी तो सब बढ़िया है भाई, चक्का चौका बॉल ऊपर जाती है अपने आप नीचे आ जाती है। सो ये देखो लग गए लड़के लोग मेहनत करने पर भाई, ये देखो हमारे बीरेंद्र सिंह चाची भी लगे हुए हैं। तो अभी ये पीस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो रखा है, तो थोड़ा इसके ऊपर की घास हटाई, थोड़ी सी मिट्टी हटाई, और अब उसके बाद खेलेंगे यहाँ पर मैच। और जो छक्का चौका की बाउंड्री है ना वो देखो उस साइड को है, जहाँ पर लंबी जाएगी तो छक्का और छोटी जाएगी तो चौका भाई, और सोरों ने ऐसा खोद रखा है ना यहाँ पर, ये देखो आतंक मचा रखा है भाई, देखो यहाँ पर भी कितनी सारी मिट्टी खोद रखी है उन्होंने यहाँ पर भी। तो अभी यहाँ पर 3 टीमें बना रखी है, ये है पीके क्लब और हमारा है बी पहाड़ी क्लब और इनका है स्कूल क्लब। तो फाइनल में जा चुकी है पीके क्लब भाई, और हमारा मैच है फर्स्ट मैच, तो फर्स्ट मैच हम लोग खेलेंगे, देखते हैं कैसा मैच होता है भाई। और एक भाई साहब आ रखे हमारे सामने भाई, कहाँ से आए भैया?
भैया कहाँ से आए हो, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट हो? ये हाथ का क्या हाल बना रखा है, ये हाथ के क्या हाल बना रखे हैं ये देखो। किसने घुसा तेरे पेरंगे से, किसने रगड़ा तेरे पेरंगे से? तो इसने खेल भी गया ढंग से। सच बता क्या है बैग में खाने के लिए? क्या है? कुछ नहीं। सच बता। कुछ सो भी यार यहाँ पर तीसरा ओवर स्टार्ट हो चुका है और हमारी टीम की भाई 3 विकेट आउट हो चुकी है, 3-4 विकेट आउट हो चुकी है। मैं भी आउट हो गया भाई, अभी 3-4 बॉल खेले आउट हो गया भाई, क्योंकि यार कब से मैच भी नहीं खेला है इसलिए थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। सिर्फ 18-19 रन ही हो पाए हैं अभी। चौथा ओवर चालू हो गया भाई, तीसरा बोल रहा मैं, चौथा ओवर। इनके काम देखो जरा क्या कर रहे हैं, लकड़ी के ऊपर एक बंदा रखा है उन्होंने, उसको लेकर जा रहे हैं। मजे ले रहे हैं। सो भी यार पहली पारी समाप्त हो चुकी है और हमारे बन रखे टोटल 54 रन 8 ओवर में। तो देखते हैं, मुश्किल लग रहा है मुझे कि ये मैच जीत पाएंगे हम लोग। तो बैट से तो कम, लेकिन वाइड इतनी ज़्यादा वाइड गई कि भाई वाइड से ही ज़्यादा रन मिल रहे हैं। तो फील्डिंग की बारी आ गई है। सो भाई साहब अभी इतना तगड़ा मैच हुआ ना, सेकंड वाली पारी का वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाया, मैं फील्डिंग लगा हुआ था, एक ओवर मैंने भी डाला। तो भाई कितने रन चाहिए थे, 50+ चाहिए थे, 55 पता नहीं कितने चाहिए थे, और 8 ओवर में भाई नहीं दिए हम लोगों ने। 16 रन उन्हें और चाहिए थे जीतने के लिए, पर नहीं बना पाए हो। हम लोग जीत चुके हैं। अब सेकंड टीम के साथ हमारा मैच है, फाइनल मैच लगा लो तुम, देखते हैं कौन जीता है। 500 रुपये का मैच रखा हुआ है भाई, तीनों टीमों ने 500 रुपये इकट्ठा कर रखे हैं और उसका मैच रखा हुआ है। तो देखते हैं यार कौन जीतता है, आगे बताते हैं आप लोगों को। सो भाई हमने फील्डिंग कर लिया है और उनके बन रखे अभी 52-53 रन बन रखे उनके। सो देखते हैं बन पाते हैं नहीं बन पाते भाई। इस बार मैंने 2 ओवर डाले, इस बार ठीक ठाक गए मेरे ओवर, एक में 5-6 रन गए, 2-3 रन गए, ज़्यादा भी नहीं गए भाई। इस बार मस्त ओवर हो गए मेरे। तो देखते हैं जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। 1500 का मैच है भाई, 500 रुपये हर टीम ने इकट्ठा कर रखे हैं। तो देखते हैं कि आगे होता है क्या। सो फाइनली यार मैच जीत चुके हैं हम लोग और एक ओवर भी बाकी बच गया, उससे पहले ही हम लोग मैच जीत गए। 54 रन बनाने थे, 53 बना रखे थे उन्होंने और भाई हमने 7 ही ओवर में चेज कर लिया स्कोर। तो अब आगे देखते हैं और खेलते हैं मैच, पहले तो नाश्ता वगैरह करना है यार। इनके पास नाश्ता सा, वो पता नहीं कहाँ भाग गए इस साइड को, ड्रोन शॉट लेने वाले, तो पता नहीं कब तक आएंगे। भूख जबरदस्त वाली लग गई है। इड़ा ए ड्रैकोला भूख। तो यार अभी दोबारा से मैच स्टार्ट हो चुका है और भाई फर्स्ट वाली पारी के ना 4-5 ओवर में भाई 67-68 रन हो गए। इतनी लंबी लंबी छक्का, जो 5 का पेड़ दिख रहा है ना उस साइड को, उसके पार जा रही है भाई बॉल, इतनी लंबी लंबी छक्के मार रहे हैं। अभी नज़रें जम गई ना उनकी बॉल पे, अब देखो कितने लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं भाई। ए देखो ये गई छक्का।
तो यार दोस्तों अभी शाम के 3:30 हो चुका है टाइम और भूख लगी जबरदस्त वाली भाई। तो ये देखो हरी सब्जी और चाय वगैरह भी आया है पर ये देखो चाय या सब है, लेकिन जो हमारा नाश्ता था ना जो हमने ला रखा था वो हमारे साथ के 2-3 बंदे थे वो ड्रोन शॉट लेने जा रखे सुबह से भाई 11-12 बजे से अभी तक आए नहीं, पता नहीं इस साइड को जा रखे। उन्होंने बोला हम ढाजली साइड जाते हैं, बल थोड़ा ड्रोन शॉट लेते हैं वहाँ से और जल्दी आ जाएंगे। सो अभी यार नाश्ता करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर बच रखा था उसे ही खाते हैं, बाकी तो सारा सामान उनके पास है। दूध भी ला रखी थी, चाय पत्ती भी ला रखी थी, सारा सेटअप ला रखा था। तो छोड़ो यार नाश्ता करते हैं और उसके बाद हमारा मैच भी स्टार्ट हो चुका है, अभी हमारी बैटिंग चल रही है। तो मुझे बोल रहे थे बैटिंग पे जावल, मैंने कहा भाई पहले नाश्ता करके आता हूँ, पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। सो भाई अभी पहुंच चुके हैं बड़ी मुश्किल से ड्रोन शॉट वाले भी और अब हम लोग आगे चाय बनाएंगे भाई। वो जो थर्मस दिख रहा है ना वो फुल भाई दूध से भर के ला रखा था मैंने, अब बनाएंगे इसमें चाय भाई, अब दूध वाली चाय बनाएंगे। देखो कितना सारा खाना है, देखो इसमें भी खाना, मैगी भी ला रखी है, अंडे भी ला रखे हैं भाई, ऊपर से खाना भी ला रखा है। खाने वाले कम खाना ज़्यादा, आज तो मज़ा आ गया खाने में। सो अभी यार दोस्तों नाश्ता वगैरह तो कर लिया था हम लोगों ने और ये लास्ट मैच है भाई, दो टीमें बना रखी है और अभी भयंकर वाली बारिश आ गई यहाँ पर, ये देखो ओले भी गिर रहे हैं बारिश के साथ साथ। तो अभी हम लोगों को चाहिए 8 ओवर में 58 रन बनाने, हम लोगों ने 2-3 ओवर हो चुके हैं और 20-22 रन हो चुके हैं हमारे अभी। तो देखते हैं यार भाई, खतरनाक बारिश आ गई, देखो खतरनाक बारिश भाई, दिख नहीं रही होगी लेकिन तगड़ी बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं साथ में भाई साहब, और तगड़े ओले पड़ते जा रहे हैं। ये देखो पूरा ग्राउंड व्हाइट हो गया भाई, व्हाइट चादर भी चाहिए होगी जैसे। तो देखो हो क्या रहा है यार, हो क्या रहा है, ये हमारी किस्मत ही खराब है भाई। ये देखो और ये देखो भाई साहब पेड़ के नीचे खड़े हो रखे हैं, उनके ऊपर भी ओले गिर रहे हैं भाई, देखो पेड़ के नीचे भी ओले गिर रहे हैं, देखो मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा गिर गए भाई, यहाँ नीचे देखो जरा ये देखो ओले भाई साहब, ये देखो कितनी तगड़ी ओलावारी हो रही है भाई, यहाँ पर तगड़े ओले गिर रहे हैं, देखो बिल्कुल व्हाइट हो गई भाई, पूरी ग्राउंड व्हाइट हो गई। देखो अब निकलते हैं यहाँ से घर और सीधे मिलेंगे आप लोगों को घर पे। तो यार दोस्तों अभी घर पे पहुंच के रोटी रोटी भी खा ली भाई और ब्लॉग वगैरह भी एडिट कर लिया है। आज तो भाई बुरे हाल हो गए थे, बारिश और ओले इतने ज्यादा ओले गिरे ना, उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई भाई आज जितने ज्यादा ओले गिरे, तो फिर घर भागना पड़ा भाई। वैसे ही भीगते भीगते घर आए और बहुत ज्यादा थक गए भाई आज तो, आया और सीधे ब्लॉग एडिट करने पे लग गया, उसके बाद रोटी खाने गया, फिर आया और ब्लॉग ही एडिट कर रहा हूँ क्योंकि कल सुबह वाला ब्लॉग अपलोड भी करना है। और भाई ओले गिरने के कारण ना बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, प्लान तो मेरा था कि मैं अभी लेकिन भाई इतने ठंड में कौन ना आ रहा है, कल सुबह ही देखी जाएगी। और आज का ये वाला ब्लॉग यार यहीं पर एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग होली का बीपाड़ी का पसंद आया होगा। कुछ अलग ही टाइप से सेलिब्रेट करते हैं यार गांव के लड़के होली, गांव में नहीं रहते हैं मतलब, सुबह 10-11 बजे निकल जाते हैं मैच खेलने और वहीं लपोड़ते हैं भाई एक दूसरे पे रंग, वहीं लगाते हैं एक दूसरे पे रंग, वहीं सेलिब्रेट करते हैं होली और मैच भी खेलते हैं मस्त करके, अपना नाश्ता वगैरह भी करते हैं, फुल इंजॉय करते हैं यार। हर साल जब भी होली आते हैं ना हर साल जाते हैं हम लोग, तो इस साल भी गए थे जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई भी पहाड़ी की तो लाइक करना, कमेंट करना, दबा के शेयर करना, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और मैं इसी टाइप से आप लोगों को मिलता हूं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वेट कीजिए बीपाड़ी के नेक्स्ट ब्लॉग का। टाटा, गुड बाय एंड गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।